हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कॉनिक को पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और जितनी भी चीज़ें हम कॉनिक सेक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, वो सब चीज़ें मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर बताने वाला हूं। तो इसमें देखिए, यहां पे आज की क्लास के अंदर मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा आपके सामने, और आज की क्लास के अंदर पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉनिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कोड, ये दो टॉपिक हम करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। यहां पे अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे पास 2, π/4, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो, मतलब पोल से यहां पे इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 है, और ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास कितना है, π/4, इसका मतलब ये होता है। और यही चीज मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश करी है। मैंने कर्व ट्रेसिंग के बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया है जहां पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बता रखा, तो वो आईटी पे जाके देख सकते हैं। इसमें बताना चाह रहा हूं कि कॉनिक सेक्शन के अंदर जो लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे हम यहां पे कॉनिक सेक्शन को समझ सकते हैं, एलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला को कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं, इस पर भी मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वो भी आप आईटी पे जाके, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करेंगे स्विन पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। तो कॉनिक की पोलर इक्वेशन क्या होती है, तो हमारे पास कॉनिक की पोलर इक्वेशन ये होती है L/R = 1+E cos θ। स्विन ये कैसे आती है और इसके पीछे का क्या प्रूफ है वो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा। द पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉनिक विथ इट्स लैटिस रेक्टम ऑफ लेंथ 2L, एसेंट्रिसिटी E एंड द फोकस बींग द पोल इज दिस। सुन, यहां पे हमारे पास जो फोकस होता है वो हमेशा क्या होता है, पोल होता है, मतलब 0, 0 होता है। और नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं यहां पे कॉनिक के बारे में, तो कॉनिक में हमारे पास ये कंसेप्ट होता है कि जो रेशियो होता है SP और PM का, वो हमेशा यहां पे क्या होता है, सुन, E के बराबर होता है। याद है, आपको बता दूं मैं आपको कि SP/PM = हमारे पास क्या होता है, E होता है। हम जानते हैं ये हमारे पास क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये इसका फोकस होता है, और ये P पॉइंट अगर हमारे पास इस कॉनिक पे है तो इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो E होता है। अगर E की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, अगर E की वैल्यू 1 है तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, अगर E की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर E की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और इसी कंसेप्ट से हम इस इक्वेशन को यहां पर क्या करते हैं, प्रूव करता है, क्लियर है। देखिए कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो सुन, हम यहां पे लेके चलेंगे, अगर आपको इसका प्रूफ एग्जाम है, नॉर्मली इसका एग्जाम में प्रूफ बहुत पूछा जाता है कि L/R = 1+E cos θ आया कहां से, तो मैं आपको इसका प्रूफ समझा रहा हूं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो हम जानते हैं सुन, बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक, SP/PM हमारे पास यहां पर क्या होता है, सुन, = E होता है, और हम जानते हैं SP = EPM होता है, और हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, सुन, PM है। इस PM को मैं ये NZ के बराबर भी रख सकता हूं कि दोनों लेंथ बराबर है, तो इसको मैं NZ लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ENZ। और सुन, NZ की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, मैं इस पूरी लेंथ में से अगर ये वाली लेंथ माइनस कर दूं तो NZ आ जाएगा, राइट। मतलब ये हुआ कि SP = E, और ये जो NZ है इसको क्या लिखूं, मैं SZ - SN लिख दूं, राइट। अगर ये पूरा SZ है इसमें से ये SN माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, राइट। तो यार हम क्या लिखेंगे, सुन, SP = E SZ - ESN हो जाएगा। पर स्टूडेंट, हमारे पास कॉनिक की जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से यहां पे कोई भी पॉइंट हो और उससे इसके डिस्टेंस का रेशियो हमेशा सेम रहता है, तो अगर मैं ये ले लूं यहां पे, राइट, तो आप जानते हैं यार कि SL/LE की वैल्यू भी हमारे पास E के बराबर होगी, तो यार SL = हमारे पास क्या होगा, ELE हो जाएगा, राइट। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो जहां पर भी SZ, देखो SL हमारे पास आ गया और ये आ गया ELE, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो SZ है, मतलब ये जो लेंथ है ये इस लेंथ के बराबर है, तो ये जो SZ है इसको मैं लिख सकता हूं SP = ELE - ESN हो जाएगा। एंड ये जो ELE की वैल्यू है, मैंने अभी बात, सॉरी, ELE की वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगी, SL के बराबर होगी, है ना। इसको हम लिख सकते हैं SL, और हम जानते हैं ये जो लेंथ होती है लैटिस रेक्टम की होती है और ये 2L होती है, तो इसकी जो आधी लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, L। तो मैं इस SL को L भी चलो बाद में रखते हैं, ESN हो जाएगा। तो यार SP = ये हमारे पास L - ESN हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सुन SN के बारे में, और SN के बारे में समझने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को पकड़ लीजिए, मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा हाईलाइट करके समझा देता हूँ आपको। सुन, ये हमारे पास ट्राइंगल
इंटीग्रल है और मुझे इस Sn की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये R दे रखा है और मुझे Sn निकालना है। तो हमारे पास ये क्या है, सुन, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और ये हमारे पास क्या है, बेस है। और बेस और हाइपोटेनियस को हम यहाँ पे cos थीटा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारे पास ये होगा Sn अपॉन Sp हो जाएगा। तो Sn cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। तो सुन, आप देख रहे हो, सुन यहाँ पे हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू Sn और यहाँ पे हम जानते हैं Sp, सुन Sp हमारे पास कितना है, R है, तो यार ये R हो जाएगा। तो सुन हमारे पास जो Sn होगा वो हमारे पास क्या होगा, R cos थीटा हो जाएगा। तो जहाँ पर भी Sn वहाँ पे R cos थीटा रखेंगे तो ये आएगा Sp इज इक्वल टू L माइनस E R cos थीटा आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। एंड हम जानते हैं कि जो Sp है ये भी हमारे पास R ही है, तो इसकी वैल्यू भी मैं R रख लूँगा, तो R इज इक्वल टू L माइनस E R cos थीटा हो जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या करिए, इसको उधर ले लीजिए, तो ये R प्लस ई आर cos थीटा इज इक्वल टू L आ जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम R को कॉमन ले लेंगे, तो जब मैं R को कॉमन लूँगा तो R ये आएगा 1 प्लस E cos थीटा इज इक्वल टू L हो जाएगा। इस R को डिवाइड कर दीजिए तो L बाय R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा हो जाएगा। तो बहुत इजीली हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, बस ये खाली आपको थोड़ा डायग्राम समझ में आना चाहिए और डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो थीटा होता है, इस थीटा को हम वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। कभी कभी वेक्टोरियल एंगल का कोई वर्ड यूज हो जाता है, तो आपको याद रखनी है, दिस थीटा इज नॉन एज अ वेक्टोरियल एंगल, राइट। आगे बढ़ते हैं, सुन ये प्रूफ यहाँ पे दे रखा, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। पहला पॉइंट, इफ द इनिशियल लाइन मेक एन एंगल अल्फा विद द एक्सिस ऑफ कॉनिक, देन द इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज एल बाई आर 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। कहने का मतलब ये होता है कि नॉर्मली हमारे पास जो कॉनिक होता है वो इस टाइप का होता है, राइट। पर जब हमारे पास कॉनिक ऐसा ना हो कि लाइक हमारे पास इस तरह से एक्सिस भी यहाँ पे हमारे पास कॉनिक बन रहा हो, राइट, तो उस वाले केस में, और ये हमारे पास जो एंगल है ये अगर अल्फा है, तो उस वाले केस में एल बाई आर 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा उसकी क्या होती है, इक्वेशन होती है। इसमें सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि इफ एस जेड बी टेकन ऑन ए नेगेटिव साइड ऑफ द इनिशियल लाइन एंड द वेक्टोरियल एंगल बी मेजर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज एल बाई आर 1 माइनस ई कॉस थीटा। नॉर्मली हमारे पास कॉनिक ऐसा होता है, पर अगर कॉनिक हमारे पास यहाँ पे उल्टा बन रहा है, राइट, है ना, मतलब इस तरह से आ रहा है। मान लीजिए मैं आपके सामने डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कॉनिक ऐसा बन रहा है उस वाले केस में, मतलब ये ऐसा आ रहा है यहाँ पे, राइट, और ये आ रहा है, तो उस वाले केस में हमारे पास जो कॉनिक की इक्वेशन आएगी वहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अब एक और चीज समझने की जरूरत है कि जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, सुन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है। नॉर्मली हमारे पास कॉनिक की इक्वेशन एल बाई आर 1 प्लस ई कॉस थीटा होता है। सो इसके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में यहाँ पे क्या करते हैं, 1 हटा देते हैं, तो हमारे पास एल बाई आर ई कॉस थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 हटा दीजिए यहाँ पे, राइट। तो ये जैसे यहाँ पे है, तो इस वाले केस में ये 1 हट जाएगा, तो एल बाई आर माइनस ई कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कोड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और जब भी हमारे पास यहाँ पे लाइक कॉनिक गिवन है, तो कॉनिक में हमारे पास जो फोकस से पास होने वाली जो लाइन होती है, एक तो स्ट्रेट लाइन होती है जो कि लेटस रेक्टम होती है। अगर एंगल हमारे पास इस टाइप की जो लाइन होती है जो कि स्ट्रेट नहीं हो, मतलब परपेंडिकुलर नहीं बना है एक्सिस के साथ, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाती है, फोकल कोड कहलाती है, राइट, है ना। तो यहाँ पे फोकल प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्मली एल बाई आर 1 प्लस ई कॉस थीटा है, तो यार यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस पी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, 2 बाय एल होता है, राइट। अब इसका प्रूफ एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, दिस इज कॉल्ड अ फोकल प्रॉपर्टी, और इसका प्रूफ एग्जाम में हम कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये अल्फा एंगल है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अल्फा एंगल। तो हम जानते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, सुन एस पी कोमा अल्फा होगा, राइट। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, तो यार यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होगा, एस पी डैश, और यहाँ जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा, एंड ये पाई है, तो इसमें क्या होगा, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, होगा, पर हम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार ये दोनों पॉइंट इस कॉनिक पे लाई कर रहे हैं, तो यार ये पॉइंट इस कॉनिक को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, जहां पर भी आर है वहां पे हम एस पी रखेंगे, और जहां पर भी एंगल है वहां पे अल्फा रखेंगे, राइट। तो इसमें हम जानते हैं हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम एट पी पॉइंट, क्या है पी पॉइंट हमारे पास, एस पी कॉमा अल्फा, तो यार आएगा एल बाय एस पी इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे SP की वैल्यू निकालेंगे, तो सुन SP हमारे पास क्या आएगा, सुन L अपॉन 1 प्लस E cos अल्फा आ जाएगा, क्लियर है। इसी टाइप से हम बात करेंगे नेक्स्ट Q पॉइंट पे या P डैश पॉइंट पे, तो P डैश पॉइंट हमारे पास क्या है, सुन SP डैश है एंड पाई प्लस अल्फा है। जब ये वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो सुन आएगा हमारे पास L बाय SP डैश एंड इज इक्वल टू 1 प्लस E
कॉस ये आएगा पाई प्लस अल्फा, और सुनिए हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे एल एस पी डैश इज इक्वल टू वन माइनस ई कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एस पी डैश की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सुन एल अपॉन वन माइनस ई कॉस अल्फा। अब ये एस पी डैश और एस पी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे एल एच एस में, अगर इसको रखें यहाँ पे और उसको सिंप्लीफाई करें तो टू बाई एल अगर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो हम यही काम करेंगे, तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे वन अपॉन एस पी प्लस वन अपॉन एस पी डैश, तो यार क्या करेंगे एस पी इसको उल्टा करेंगे क्योंकि ये वन अपॉन एस पी तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आएगा वन प्लस ई कॉस अल्फा अपॉन एल प्लस यहाँ पे आएगा वन माइनस ई कॉस अल्फा अपॉन एल। इसमें यहाँ पे आप एल का एलसीएम ले लीजिए, दिया आएगा वन प्लस ई कॉस अल्फा प्लस वन माइनस ई कॉस अल्फा आ जाएगा। इसमें ये से ये कैंसिल, तो यार ये हमारे पास टू बाय एल हो जाएगा। और इस तरह से इस फोकल प्रॉपर्टी को बहुत ईजिली आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो सुनो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये दोनों रिजल्ट काम आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा सो देट मैं आगे यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। सो सुन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एल बाई आर वन प्लस ई कॉस थीटा एंड एल बाई आर माइनस वन प्लस ई कॉस थीटा सेम कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है। तो सुन यहाँ पे मैं अगर कॉनिक का डायग्राम लूँ आपके सामने यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि यार ये हमारे पास क्या होता है कॉनिक होता है राइट, और अगर मैं यहाँ पे एक इसका फोकल कोड ले लूँ, मान लीजिए ये फोकल कोड हमारे पास ऐसा आ रहा राइट, ये हमारे पास फोकल कोड आ रहा, और मान लीजिए ये हमारे पास एस पॉइंट है, ये पी है और ये पी डैश है, और मान लीजिए ये डिस्टेंस आर दे रखी, तो इसका कोऑर्डिनेट और ये एंगल थीटा है यहाँ पे राइट, तो ये आएगा थीटा वन ले ली चले, तो आर कोमा थीटा वन हो जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या आएगा सुन माइनस का आर होगा, और यहाँ से यहाँ जो एंगल होगा वो पाई है, तो सुन यहाँ से हमारे पास पाई प्लस थीटा वन हो जाएगा। अब अगर हम जानते हैं कि ये कॉनिक की इक्वेशन, अगर मान लीजिए इस कॉनिक की इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, इस कॉनिक की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास एल बाय आर वन प्लस ई कॉस थीटा दे रखा है, तो हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस कॉनिक को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो मैं बात करता हूँ एट पी पॉइंट दैट इज आर कोमा थीटा वन, तो हम जानते हैं ये क्या आएगा एल बाय आर वन प्लस ई कॉस थीटा वन है। एंड अगर हम बात करें एट पी डैश पॉइंट राइट, तो पी डैश पॉइंट में क्या आएगा माइनस आर, और ये आएगा हमारे पास पाई प्लस थीटा वन, तो ये भी इसको क्या करेगा क्योंकि कॉनिक पे लाई करा तो कॉनिक की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो जहाँ पर भी आर है वहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस का आर रखेंगे राइट, एंड वन प्लस ई ही आएगा कॉस पाई प्लस थीटा वन हो जाएगा राइट, तो ये आएगा माइनस का एल बाई आर इज इक्वल टू वन, और ये सेकेंड क्वार्टर में आएगा थर्ड में आएगा तो माइनस का ई कॉस थीटा आएगा, सुन माइनस उधर जाएगा तो ये आएगा एल बाई आर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस ई कॉस थीटा। अल्टीमेटली हमारे पास कॉनिक एक ही था है ना, कॉनिक तो यही था, पर अकॉर्डिंग टू पॉइंट ये इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर रहा राइट, इसलिए यहाँ पे इसको हम बहुत ईजिली इस तरह से प्रूव कर सकता है। सो सुन क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कोड इज कांस्टेंट, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि वन अपॉन पी पी डैश प्लस वन अपॉन क्यू क्यू डैश दोनों फोकल कोड का जो लेंथ है उसका रेसिप्रोकल का जो सम है वो हमेशा यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट होगा राइट, ये हमें प्रूव करना है क्लियर है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए स्टूडेंट, पहले तो हमें पी पी डैश की लेंथ चाहिए, फिर हम क्यू क्यू डैश की लेंथ लेंगे, देन हम उसके बाद ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे एंड प्रूव करेंगे राइट। तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले बात करेंगे पी पी डैश के बारे में राइट, और पी पी डैश हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, पी पी डैश हमारे पास होता है एस पी प्लस एस पी डैश होता है। स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे कि एल बाय आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस अल्फा होता है राइट, अगर मैं इसकी लेंथ को एस पी ले लूँ यहाँ पे, तो यार ये और ये एंगल हमारे पास क्या अल्फा है, तो हम जानते हैं कि आएगा एल अपॉन एस पी इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस अल्फा हो जाएगा राइट। तो हमारे पास एस पी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है एल वन प्लस ई कॉस अल्फा होता है, और ये वाला जो एंगल होता है ये हमारे पास क्या होता है सुन वाले केस में पाई प्लस अल्फा हो जाएगा एंड आर हो जाएगा, तो उस वाले केस में जो एस पी डैश हो जाएगा चूंकि यहाँ पे अल्फा की जगह हम पाई प्लस अल्फा रखेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा, तो आगे माइनस आ जाएगा, तो ये आएगा एल अपॉन वन माइनस ई कॉस अल्फा हो जाएगा। अब ये एस पी और एस पी डैश की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो सुन ये आएगा हमारे पास एल प्लस वन प्लस ई कॉस अल्फा प्लस एल अपॉन वन माइनस ई कॉस अल्फा आ जाएगा। इसमें दोनों का हम एलसीएम, एल को बाहर निकाल लीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा वन माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, देन ये आएगा वन माइनस ई कॉस अल्फा प्लस वन प्लस ई कॉस अल्फा आ जाएगा। इसमें ये दोनों टर्म से ये दोनों टर्म कैंसिल, तो ये आएगा टू एल अपॉन वन माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पी पी डैश हो जाएगा राइट है ना। एंड हम जानते हैं इसमें क्यू क्यू डैश की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 2L अपॉन 1 माइनस, एक्चुअली यहाँ पे क्यू क्यू डैश में ध्यान देने की जरूरत है, बस इसमें फर्क ये हो रहा है कि अल्फा की जगह पाई बाई टू प्लस और बढ़ रहा है, मतलब पाई बाई टू और बढ़ रहा है एंगल यहाँ पे राइट है ना। तो यहाँ पे अल्फा की जगह हम क्या रख देंगे सुन 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस पाई बाई टू, और यहाँ पे ये तो स्क्वायर है ये, बस ये ध्यान देने की जरूरत है, ये फर्क पड़ेगा। तो सुन ये हमारे पास पाई बाई टू प्लस अल्फा की वजह से यहाँ पे साइन हो जाएगा, और साइन अल्फा हमारे पास इसको रखेंगे तो ये आएगा टू एल अपॉन वन माइनस ई स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इस सुनो मैं प्रूव क्या करना है, पी पी डैश वन अपॉन पी पी डैश प्लस वन अपॉन क्यू क्यू डैश इज इक्वल टू, हमें कॉन्स्टेंट प्रूव करना है। तो सुनो हमारे पास ये वैल्यू रखी तो ये रखेंगे वन माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन टू एल, एंड यहाँ पर भी इसको रखेंगे तो सुनिए आएगा वन माइनस ई स्क्वायर, ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू एल हो जाएगा। इस यहाँ पर टू एल का हम एलसीएम ले लेते हैं तो यार ये हमारे पास आएगा वन माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो सुनिए आएगा टू, और यहाँ से हम माइनस ई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं अपॉन टू एल आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आता है टू अपॉन ई स्क्वायर अपॉन टू एल, ये हमारे पास क्या आएगी कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी क्योंकि ई भी हमारे पास एसेंट्रिसिटी कॉन्स्टेंट होती है, एल लेटर सेक्टर भी हमारे पास कॉन्स्टेंट होती है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी कॉन्स्टेंट। इसको हम इस तरह से इजीली प्रूव कर सकते हैं। सो इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन से ही कनेक्टेड है। पी एस पी डैश एंड क्यू एस क्यू डैश विद द टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ऑफ ए कॉनिक, देन आपको प्रूव करना है कि वन अपॉन एस पी एस पी डैश प्लस वन अपॉन क्यू एस डैश इज कॉन्स्टेंट। तो सुनो आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास लाइक कॉनिक को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें और ये अगर हमारे पास अल्फा एंगल आ रहा है तो हम जानते हैं यार इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आर कोमा अल्फा होता है, और ये हमारे जो पॉइंट होता है दिस इज एस एंड ये पी है और ये पी डैश, और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास आर, और ये आएगा पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, राइट। और हम जानते हैं हमारे पास जो कॉनिक की इक्वेशन होती है वो क्या होती है एल बाई आर वन प्लस ई कॉस थीटा होता है। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ये आएगा एल अपॉन एस पी इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस अल्फा हो जाएगा इस पी पॉइंट के लिए, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे एस पी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी सुन एल अपॉन वन प्लस ई कॉस अल्फा आ जाएगी। इसी टाइप से हम इस पी डैश पॉइंट को जब इससे सेटिस्फाई करेंगे तो यार ये हमारे पास आएगा एल अपॉन एस पी डैश आ जाएगा, और ये आएगा वन प्लस ई कॉस, ये आएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस पाई हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है एल अपॉन एस पी डैश इज इक्वल टू वन माइनस ई कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एस पी डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी सुन एल अपॉन वन माइनस ई कॉस अल्फा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। अब यार ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पे और यहाँ रखेंगे वन अपॉन एस पी डैश, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये आएगा वन प्लस ई कॉस अल्फा अपॉन एल एंड एस पी डैश, है ना, तो इसको भी उल्टा करेंगे तो ये आएगा, है ना, इस हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब हम क्यू एस डैश निकालेंगे तो यार इन दोनों में फर्क क्या है, बस पाई बाई टू का फर्क था मैंने आपको बताया था अभी, है ना, पिछले एक डायग्राम में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या रखेंगे, हम पाई बाई टू प्लस अल्फा रख देंगे, क्लियर है। तो पाई बाई टू प्लस सेम वैल्यू आएगी, बस पाई बाई टू प्लस अल्फा रखेंगे, तो पाई बाई टू प्लस अल्फा की वजह से यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों का सम करते हैं, जब दोनों का सम करेंगे तो यार यहाँ पर पास क्या आएगा, ये एल स्क्वायर तो एलसीएम आ जाएगा, वन और वन टू हो जाएगा और ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजीली हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, राइट। आगे बढ़ते हैं, सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपके पास दे रहेगा कि पी एस पी डैश इज द फोकल कोड ऑफ द कॉनिक एल बाय आर वन प्लस ई कॉस थीटा देन हुज फोकस इज एस देन वन अपॉन एस पी प्लस एस पी डैश की वैल्यू क्या होगी। तो ये बता चुका हूँ तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। एंड पूरी प्लेलिस्ट आपको कॉनिक सेक्शन की यहाँ पर मिल जाएगी, और मेरा जो नया चैनल है उस पर सी एस आर नेट के लिए और गेट एग्जाम के लिए मैं जनरल एप्टीट्यूड अपलोड कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जाके आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।